13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खानाबदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सलजूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पेट डाली और यूं खानाबदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आजमों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाकयात से माखूज है। मैं देख चुका हूं, मेरा हर मकसद आप पर बोझ बन जाता है। यही वजह है कि अब हमारे दरमियान कुछ भी बाकी नहीं रहा सिवाय अच्छे वक्तों की यादों के। संगुर को, गुंदोगदू को, सुलझान बेटी को छोड़कर आखिर मैं कैसे जा सकती हूँ? सबसे बढ़कर यह कि तुम्हारे बाबा का औताक कैसे छोड़ जाऊं मैं? हम आपके साथ जाने के लिए आए हैं भाई, लेकिन मेरे भाइयों, दो दुर्गा के जंगजू होकर तुम कैसे हमारे साथ आ सकते हो? जो हक पे होगा हम उसी के साथ होंगे इंशाल्लाह। इस बार ये वाला तवील मगर महफूज रास्ता इख्तियार करना होगा। इन दोनों पहाड़ों से गुजरने के बाद हम लोग यहाँ किजल मार्ग से गुजरेंगे। अर्तुरुल, शायद तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा। तुम मेरे लश्कर से एक सिपाही भी नहीं ले जा सकते, खासतौर पर मेरे भाई दुनदार को मेरी वालिदा से छीन कर। हरगिज नहीं। मेरे रास्ते में मत आए भाई। नीचे उतर जाओ। कहाँ जा रहे हो? चलो नीचे उतरो। ये क्या कर रहे हैं आप? यहाँ से जाने की इजाजत नहीं है तुम्हें। वापस जाओ अपने खेमे में। तुम ऐसा नहीं कर सकते। अक्षा सरदार और सुंगुर तकिन साहब का हुक्म है, कबीले से कोई नहीं जा सकता। वालिदा, दुआओं में याद रखिएगा। जहां रहो अल्लाह की हिफाजत में रहो, मेरी अमानत का ख्याल रखना। आपकी अमानत पे जान कुर्बान है। अर्तुरुल भाई के हमरा जो लोग हैं वो आखिरी बार आपकी दुआएं लेना चाहते हैं वालिदा। आखिरी बार तुम्हें, तुम्हारे भाई को, हलीमा को, गुंदुस को और बहादुर जंगजुओं को क्या मैं दोबारा नहीं देख पाऊंगी? मुझ पे क्या बीत रही है ये मैं ही जानती हूँ। वालिदा, दिल को मजबूत करें, ऐसा मत कहें।
तमाम जंगजू बस यही है भाई, खतरा ज्यादा होगा। जंगजुओं की बहादुरी देखी जाती है दुआन, तादाद नहीं। अहम यह है कि किसके हमराह सफर पर जा रहे हैं हम लोग। हमारे इन जंगजुओं की छुपी हुई सलाहियतें ही मुश्किल दिनों में हमारा अहम हथियार साबित होंगी। ये हमारी ताकत का सरचश्मा होंगे और यही बात जरूरी है। बिल्कुल ठीक कहा भाई, अल्लाह ने चाहा तो उस दिन दुनिया की सरजमीन ही हमारी मंजिल बनेगी। अर्तुक भाई, हम अपने खेमों के बाहर सवारियों पर अपना सामान लाद रहे थे और आप लोगों के आने का इंतजार कर रहे थे वहां, लेकिन दुर्गा के सिपाहियों ने हमें जबरदस्ती अंदर भेज दिया। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? हालात को मुश्किल ना बनाए अर्तुक भाई, ये हमारे सरदार का हुक्म है। अर्तुरुल भाई, सोच भी कैसे लिया आपने कि मेरा एक भी सिपाही आप अपने साथ ले जा सकते हैं? सरदार अक्चा, आपके सिपा सालार आपके साथ हैं और आप मुझसे पालतू कुपैक की जबान बोल रहे हैं जिसे अपना अमीर मानते हैं। हद में रहो अर्तुरुल, तुमने पहले ही दोनों कबाइल के मोअज़्ज़िज़ीन की जिंदगियां मुश्किल में डाल दी। भाई, हम सरदार तुतकिन के जंगजू थे और आज से हमारे सरदार अर्तुरुल भाई हैं। भाई, हमारा रास्ता ना रोके। सिपाहियों, तलवारें नीचे। सुंगुर तकिन, अच्छा साहब, ये आखिर आप दोनों क्या कर रहे हैं? सिपाहियों को आपस में लड़वाना चाहते हैं? जो भी जरूरी इकदाम हुआ वही करेंगे हम। अर्तुरुल जहां चाहे जाए, हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन ना ही ताई ना ही दो दुर्गा कबीले का जंगजू यहां से जाएगा, ये मेरा हुक्म है। जंगजुओं के दरमियान सगे भाइयों से भी ज्यादा इत्तेहाद होता है, लेकिन आप नहीं जान सकते, क्योंकि ये बात सिर्फ वही शख्स समझ सकता है जो खुद भी जंगजू रहा होगा। मेरे जंगजुओं से भिड़ने की कोशिश मत करें। तुम दोनों कबाइल के दरमियान दूरियां खड़ी कर रहे हो और हमारे बहादुरों को गुमराह कर रहे हो। जब से आप दोनों अमीर सादतिन के हुक्म पर चल रहे हैं, ओस कबाइल के बहुत से मुअज़्ज़िज़ीन का किबला बिगड़ चुका है। अल्लाह का शुक्र है, हमारा किबला अब भी वही है। तुम कबायली दस्तूर की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते। तुम्हारे सिपाहियों की और तुम्हारी जिरगे के फैसलों के सामने कोई हैसियत नहीं। सुंगुर तकिन, तुम करना क्या चाहते हो आखिर? ओवोस कबाइल के कानून पर अमल दरामद मेरी जिम्मेदारी है। सिपाहियों, अर्तुरुल का साथ छोड़ दो, याद रखो ये मौका आखिरी है। सुंगुर तकिन भाई ठीक कहते हैं, कबीले को छोड़ना रिवायात के खिलाफ है। मैं नहीं जाऊंगा। मैं भी नहीं जाऊंगा।
धोखे से भेजे गए बहरूपी जंगजू निकल चुके हैं। अब हमारी ताकत पूरी हो गई है। अब देखते हैं कि कौन किसे रोक पाता है। सुंगुर्तकिन, अक्षय साहब, बहुत हो गया, बस करें। सुंगुर्तकिन साहब, अपने मर्दों को अकेला नहीं छोड़ेंगे हम। उन्हें मारना चाहते हैं तो हमारी भी जान ले लें। आप भी सुन लें अक्षय साहब। अक्षय साहब, हम इस वक्त बहुत दुख में हैं। हमारे दुख को मजीद मत बढ़ाएं। सिपाहियों को वापस भेज दें। उस कबाइल के बहादुर जवानों, मैं आपको हमेशा रहम दिलों की सफ में रखना चाहता हूं। इसलिए मैं चाहता हूं कि गुस्से को छोड़कर आप लोग हमें दुआओं में रुखसत करें, ताकि दोनों कबाइल मजीद किसी गम से दोचार ना हो। अर्तुरल, मजबूर मत करो। पहले मेरी जान लेनी होगी तुम्हें। वालिदा, हाय मखानम, ये आप क्या कह रही हैं? मैं भी नहीं चाहती कि ये जाए, लेकिन जुल्म से किसी को नहीं रोका जाता। रास्ता छोड़ो मेरे बहादुरों का। बहुत घमंड है ना अपनी ताकत पर? और कितने लोगों को अपनी झूठी अना की भेंट चढ़ाएंगे आखिर? जमीन पहले ही मासूमों के खून से रंगीन है, और कितने लोगों की कब्रें बनाएंगे अपनी प्यास बुझाने की खातिर? बहुत हो गया, बस बहुत हो गया। सिपाहियों, अपनी तलवारें म्यान में रख लो। सुंगुर्तकिन साहब, सिपाहियों के सालार होते हुए मेरा हुक्म कैसे टाल सकते हैं? मैं यहां भाई को भाई का खून बहाने की इजाजत नहीं दे सकता। सिपाहियों, तरबियतगाह की तरफ जाएं सब। जहां भी तुम जाओगे, मजीद मुश्किलात का सामना करोगे, लेकिन उस वक्त कोई कबीला तुम्हें बचाने नहीं आएगा। तरस आता है तुम पर, तुम्हारी औलाद पर। जहन्नुम में जाओ मेरी बला से, अफसोस होगा तुम्हें। तुम्हारा मकाम है जहन्नुम। अर्थरुल के साथ जो खवातीन और बहादुर जंगजू जाना चाहते हैं, अल्लाह हमेशा उनकी जान और माल की और उनकी इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमाए। आमीन। अल्लाह इन सब को कभी किसी का मोहताज ना बनाए। आमीन। अल्लाह इन पर अपनी रहमत का साया रखे, सफर में आसानी हो। आमीन। वालिदा, मेरी बच्ची, दुआओं में याद रखिएगा, कभी कोई मुश्किल ना हो। कुंतुस मेरी जान, अल्लाह हमेशा तुम पर माँ बाप का साया सलामत रखे,
मेरी जिंदगी भी तुम्हें लग जाए मेरी जान। नसीब बहुत अच्छा हो तुम्हारा। अर्थुरुल भाई, रब आपको हमेशा हर बला और मुसीबत से महफूज रखे। फतह नसीब हो आपको। मेरी दुआ है कि आपको जिंदगी के हर महाज पर बुलंद मकाम अता हो। बहुत शुक्रिया सलजान खातू। मेरी दुआ है कि आप और भाई औलाद और दुनिया की हर खुशी देखें। बहुत शुक्रिया भाई। पहले दुर्गत और अब तुम दोनों भी जा रहे हो। दुआओं में याद रखिएगा। सारी दुआएं तुम्हारे लिए बेटे। बहादुर भाइयों और बहादुर बहनों, परेशानियों पर सब्र, नेमतों का शुक्र और अपनी मंजिल को पाने का वक्त आ चुका है। याद रखें कि हम एक दूसरे से अलग नहीं हो रहे बल्कि ज्यादा मुत्तहिद हो रहे हैं। हम इस नियत से जा रहे हैं कि अपने कबीले का परचम मशरिक से लेकर मगरिब तक हर जगह सर बुलंद करेंगे। अल्लाह का ये कबीले और तमाम ओवोस कबाइल की मदद और नुसरत फरमाए। आमीन। आमीन। सिपाहियों, चलो मंजिल की तरफ चलते हैं। अर्तुरुल, अपनी दुआओं में याद रखना भाई। आप भी। अल्लाह मदद फरमाए तुम्हारी। अल्लाह हामी नासिर हो आपका।
अर्तुरुल और शहजादा यकित को सल्तनत से बगावत करने की सजा जरूर मिलेगी। ये तुम दोनों की जिम्मेदारी है, सुल्तान के हुक्म को अंजाम तक पहुंचाना है। सल्तनत के सब्र का पैमाना अब लबरेज हो चुका है। अर्तुरुल का और शहजादा यकित का सर चाहिए मुझे, और सिर्फ उन दोनों का नहीं बल्कि उनके हामियों को भी मौत के घाट उतार दो। मेरे आदमी आपके हुक्म के मुंतजिर हैं अमीर हजरत, जान भी कुर्बान कर देंगे आपके लिए। वक्त जाया ना करो, बिल्कुल फौरन जाओ, लाके खुशखबरी दो मुझे। आप बिल्कुल इत्मीनान रखिए अमीर हजरत, अर्तुरुल इस दफा जिंदा नहीं बच पाएगा। इजाजत दीजिए। मौत की ख्वाहिश की है तुमने, और तुमने अपने कबीले को छोड़ने की बहुत बड़ी गलती की है। अब तुम्हें पता चलेगा कि किस तरह से भूखे भेड़िए तुम्हें नोच खाएंगे अर्तुरुल, बहुत पछताओगे। वहां से कैसे भागे तुम? कहीं भाई किसी मुसीबत में तो नहीं? इस बार कौन सा नया जाल बिछाया है सादतीन को बैग ने? Beyim ile göçen gelsin, inmesinler mert meydana, candan serden geçen gelsin. İnmesinler mert meydana, candan serden geçen gelsin. Çağırın alplerin hepsini, seçin içinden kötüsün. Bizans beden kapısı, bir yumrukta açan gelsin. Bizans beden kapısı, bir yumrukta açan gelsin. Kulak tut merdin sözüne, girelim meydan yüzüne. Ecel gömleği gözüne, kendiliğe biçen gelsin. Ecel gömleği özüne, kendiyle biçen gelsin. हमें सिपाही बनना अर्तुरुल भाई ने सिखाया। जंगजू बनने में सिर्फ ताकत का इस्तेमाल नहीं बल्कि उन्होंने दिलो दिमाग का इस्तेमाल भी सिखाया है। हमें उनके साथ जाना चाहिए था, अर्तुरुल भाई को अकेला छोड़ दिया हमने। दुरुस्त कह रहे हो तुम भाई, गलती कर दी हमने। Yeah.
सिपाहियों, अर्तुरुल जैसे बहादुर जंगजू के जाने पर बेशक हम सब अफसुरदा हैं बहुत, लेकिन ये याद रखें, हमारा कबीला किसी भी एक शख्स पर इनहिसार नहीं करता। कोई सिपाही आता है और कोई जाता है, हमारी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। हमें पहले से ज्यादा मेहनत करनी है और एक मजबूत लश्कर बनना है जो जरूरत पड़ने पर रियासत और कबीले की हिफाजत कर सके। हमारी अव्वलीन तरजीह ये कबीला और रियासत होनी चाहिए, जिस तरह सुलेमान शाह के कांधे से कांधा मिलाकर हमेशा चला करते थे, उसी तरह आज भी बहादुरी के साथ अपनी जिद्दोजहद को जारी रखना है हमें और हर पल जंग के लिए तैयार रहना है। आज से तमाम सिपाहियों को खुद को इस मायूसी के माहौल से निकाल कर अपनी जिम्मेदारियों पर तवज्जो देनी होगी ज्यादा से ज्यादा। जिस सिपाही को जो भी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, अगर जरा भी कोताही बरती तो अंजाम बुरा होगा। चलिए अपनी मशकें जारी रखें। अब हम लोग माला माल हो जाएंगे। तो बहुत सारा सिक्का है, क्या हो रहा है यहाँ? मैं अपने बेटे पर लगे इल्जामात को गलत समझ रही थी, लेकिन वो तो दुरुस्त निकले। कबीले के इत्तेहाद का सौदा गोंदोक्तु की तरफ से दिए गए सोने के सिक्कों से किया जाएगा। अब अर्तुरुल की सरदारी का हक तुमने इसी सोने के इवज बेचा है क्या? काई के दस्तूर को भूल चुके हो? क्या तुम ओवोस की रिवायात का इसी तरह पास रखोगे? क्या ये सब कुछ करते हुए बिल्कुल शर्म नहीं आई? कल जब सबको ये हकीकत मालूम होगी तो क्या इज्जत रह जाएगी तुम्हारी कबीले वालों के सामने? देने वाला छीनने वाले से बेहतर होता है हाइमा खानम। गुंदोगदु भाई ने कबीले के मुस्तकबिल के लिए ये सब कुछ किया, लेकिन अर्तुरुल भाई सारे जंगजू अपने साथ ले गए और सुलेमान साहब भी यही सब कुछ है। तुम दोनों अपने आप को समझते क्या हो? सुलेमान शाह का नाम अपनी गंदी जबान से लेने की हिम्मत कैसे हुई?
उनके कबीले में उन्हीं का नाम बदनाम कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। याद रखिएगा कि अब आप इस कबीले की सरदार नहीं रही हाइमा खानम, और हम सिर्फ आपके एहतराम में खामोश हैं। अगर आपको कोई बात करनी है तो अपने बेटे से जाकर कीजिए। तुम मुझसे इस लहजे में बात कर रहे हो, इतनी हिम्मत होगी तुम्हारी? अपनी हद भूल गए शायद। तुम्हें तो शर्म से डूब जाना चाहिए गाफिल इंसान। देखो जरा खुद को। मेरी बात याद रखना, गुंदोगतू के साथ बराबर के शरीक हो तुम दोनों। कबीले के इत्तेहाद को नुकसान पहुंचाया है तुमने, और उसके साथ साथ ओवोज रिवायात को खाक में मिला दिया है। ये सोने के सिक्के तुम्हारे हलक से नहीं उतरेंगे। तुम पर अल्लाह का अजाब हो, लानत के मुस्तहिक हो तुम। शर्मानी चाहिए तुम्हें। अर्तुरुल की क्या खबर है? मैंने जासूस भेजा है भाई, जल्द ही खबर आ जाएगी। बुआज, अब क्या करने जा रहे हो तुम? कौन सा नया जाल बिछा रहे हो? भाई, अर्तुरुल अपने काफले के साथ रवाना हो चुका है। ताकुब जारी रखो, अर्तुरुल पर अचानक हमलावर होंगे हम, और उसे खत्म कर देंगे। मैं तुम्हारी साजिश तो नहीं जान सका, लेकिन तुम्हारे खोदे हुए गढ़े में तुम्हें ही दफनाऊंगा। भाई, इसका पहिया निकल गया है। भाई, घोड़े थक गए, खवातीन और बच्चे भी थक चुके हैं, रात यहीं गुजारते हैं। ठीक है, यहीं करेंगे कयाम। दुआन, मुहाफिजों को उनके पहरे की जगह बता दो, और जो अपने अहलो आयाल के साथ हैं वो खेमों के बाहर ही पहरा देंगे। जैसा आपका हुक्म भाई। सबको हम वक्त तैयार रहना है बमसी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो तुम इत्तेहाद और ताकत के नाम पर काई कबीले को अमीर सादतीन की तय की हुई मंजिल की तरफ लेकर जाओगे? बिल्कुल ऐसा ही हो वालिद, अगर अल्लाह ने चाहा तो।
मगर अपनी सारी बदअमालियों के बाद हमारा कबीला किस तरह अपनी रिवायात का पासदार रह सकेगा सुंगुर? आप कहना क्या चाह रही हैं? तुमने और गुंडोगदू ने जो साजिशें की मैं सब जान चुकी हूं। वालिदा, दुंदार ने बिल्कुल ठीक कहा था, दो तलवारें एक मयान में साथ नहीं रह सकती। एक बार फिर हम सरदार के बेटों के हाथों खिलौना बन गए। दूसरों की बातों में आकर कुछ भी याद ना रहा। अपने अजदाद की रिवायात को तुमने और गुंडोगदू ने पसे पुष्ट डाल दिया। तुम्हारे बाबा के चाहने वाले सिपाही और कबीला कमजोर हो गए हैं तुम्हारी इस हरकत के बाद। अगर भाई का साथ नहीं देता तो ना जाने हम किस हाल में होते। जरा सोचिए, अमीर सादतीन मेरे भाई अर्तुरुल को जान से मार देता और हमारी मुश्किलें बढ़ा देता, तब हमारे इस कबीले का आखिर क्या होता वालिदा? बाबा ने जो रास्ता बताया था, हम आज भी उसी पर डटे हुए हैं। हमने उनकी तालीमात का हमेशा पास रखा है। आज अगर हम अपने कबीले को किसी जरखेज जमीन पर मुंतकिल कर रहे हैं तो यह भाई की मरहूने मिन्नत है। उसे अब भी तुम मेरे सामने अमीर सादतीन कह के मुखातिब कर रहे हो? जहन्नम में जाए मेरी बला से वो। अल्लाह अकबर पुकारते हुए जवान हुए किस लिए? ताकि सोने के सिक्के देकर अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए मोजज़ीन को खरीद सको? मासूम शहजादे पर अपना जोर दिखाकर कबीले में सुकून लाना चाहते थे? गैरों की बात को अपने भाई पर फौकियत देकर तुमने कबीले को बचाया है, उस शख्स की बातों पर एतबार क्यों किया तुमने? अपने कबीले और रिवायात का पास रखना चाहिए था तुम्हें। तुम्हारे बाबा की अमानत है तुम्हारे पास ये कबीला, इसे गैरों के रहमो करम पर मत छोड़ो बेटा। कुछ और नहीं चाहती मैं, हमेशा खुश रहो। सुलेमान शाह, आपने कहा था कि एक बहादुर शख्स छड़ी को भी तलवार की तरह इस्तेमाल कर सकता है। आपने कहा था कि जो कबीला अपनी रिवायात से हट जाए उसका तबाह हो जाना ही बेहतर है। आपने कहा था कि जंगली घास जिसे घोड़े भी ना खा सके उसका ना उगना ही बेहतर है। कड़वा पानी जो कोई इंसान ना पी सके उसका ना बहना ही बेहतर है। आपने कहा था कि वो औलाद जो बदनामी का बाइस बने उसका ना होना ही बेहतर है। आपने ये भी कहा था कि ढा दो वो खेमे जिनकी बुनियाद झूठ और फरेब पे कायम हो। एक हकीकी सरदार अपने कबीले की मुश्किलात और परेशानियों से कभी भी गाफिल नहीं रह सकता। मुझे याद है कि आपने ये भी कहा था कि वक्त ऐसे भी पलट सकता है कि भाई भाई के खिलाफ खड़ा हो जाए। तो एक माँ के ऊपर क्या गुजरती है ये एक माँ ही समझ सकती है। जो कुछ आपने कहा था वो सब कुछ आज सच साबित हुआ सुलेमान। हमारे बेटे एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए। सुलेमान शाह, एक मोमिन की जिंदगी में आजमाइशें जरूर आती हैं। बस हमें अल्लाह से एक ही दुआ करनी चाहिए
कि उन आजमाइशों पे पूरा उतरने की तौफीक अता फरमाए। ऐ मेरे रब, तू ही करीम है, तू ही रहीम है, मुझे सही रास्ता दिखा दे ताकि मैं हक का साथ दे सकूं। मेरे अल्लाह, हमारा तू ही मददगार है। सुलेमान शाह की रूह को सुकून दे दे मेरे रब। आमीन। हम मजीद वक्त जाया होने से बचा लेंगे, लेकिन काफले के रुकने से लोगों की बेचैनी बढ़ जाएगी, इसलिए हमें जल्द से जल्द रवाना होना होगा। भाई, नोयान और बुआज को आप सुल्तान के पास ले जा रहे थे ताकि आप ये बात साबित कर सकें कि इन तमाम साजिशों के पीछे अमीर सादतीन का ही हाथ है, लेकिन अब आप कैसे साबित करेंगे? नोयान की मौत और बुआज के फरार होने से हमारी मुश्किलें मजीद बढ़ गई हैं आरतू भाई, लेकिन हिम्मत नहीं हार सकते। हम जितनी कोशिश करें या कुछ भी कर लें, हम कोपैक हमारे पीछे जरूर आएगा, इसीलिए हमें हर कदम बहुत सोच समझ कर उठाना है। सिपाहियों, मुहाफिजों को हिम्मत दिलाते रहना होगी हमें। जिन लोगों ने हमारे खेमों तक को नहीं छोड़ा, वो हमारे काफले को परेशान करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, मुझे इस बात का यकीन है। हमें क्या करना चाहिए भाई? काफिला महफूज रहेगा अल्लाह की मदद से। मेरा ख्याल है कि काफिले की हिफाजत के लिए हम लोगों को आज रात जाग कर गुजारना होगी, पहरेदारों को देखते रहना होगा हमें। जैसा आप कहें भाई, हम हर वक्त कड़ी निगरानी करेंगे। हलीमा, खवातीन से मालूम किया तुमने? उन्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं? फिक्र नहीं करें आप, मैं तमाम खवातीन से जाकर पूछ चुकी हूँ, उन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं, अनाज भी वाफिर मकदार में मौजूद है। खवातीन और बच्चों को कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए, हमारा सफर बहुत तवील है, हम किसी को तकलीफ में नहीं छोड़ सकते। जो आपका हुक्म। अगर आप चली गई तो मैं गुंडों को क्या जवाब दूंगी? हमें इस तरह तरह छोड़ के ना जाए वालिदा। मेरी कमी को हर किस महसूस ना करना बेटा, याद रखना अपनी दुआओं में हमेशा। या तो हम अर्तुरुल भाई के पास जाएंगे। या आपके हाथों मर जाएंगे। सुल्तान अलाउद्दीन हमारी बात जरूर सुनेंगे यकीन, और जब उन्हें हकीकत मालूम होगी तो सारी गुत्थियां खुद बखुद सुलझ जाएंगी। इस मर्तबा तुम बच नहीं पाओगे। तुम गद्दारी की सजा से नहीं बच सकते, तुम्हारे मालिक की तरह तुम्हें भी जहन्नम भेजूंगा।